ले लेना वड्डी खड़क रे रे, ऐसे नहीं जाएंगे, उसको आने दे। सुरेश भाई ऐसे ही मिल्किंग के लिए मशीन ले लो। सुरेश भाई क्या हो गया, लाइट चली गई। लेकिन अगर आप सब ने कमेंट कर दी कि हाँ भाई खरीद लो, तो ये वाली जो बछड़ी है भाई फाइनली जो है कि खरीद लेंगे हम। आप जो है कि सिर्फ कमेंट कर दो फटाफट से। लाओ लेके नहीं एक भाई, जोजो और लालू जो है ना भाई ये साइड भाग गए, बांध देते हैं तो शोर करते हैं। इधर आओ, तुम दोनों गए आज, इधर 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 यहाँ पे आके मस्ती कर रहे तुम। हाँ कहाँ भाग रहा, रुक जा, अब मैं रुक जा, रुक। इतना दूर आने के लिए किसने बोला था, हाँ किसने बोला था, इधर आ तू, तू तो गया। अगर इस बार घर छोड़ के गए तुम दोनों की टक्कर ही फोड़ूंगा। सुरेश भाई को गॉगल मिला है, किसी का है तो भाई आके लेके जाओ, नंबर का गॉगल है भाई। ये देखिए कहाँ पे मिले, ये रस्ते पे, तो 300-400 रुपए का गॉगल है ये, देखो इसका काम दे। अबे तोड़ देंगे किसी का गॉगल। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों मिल्किंग वगैरह हो गया है खत्म। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि इस झुंड के अंदर भाई दो गाय जो है कि ऐड होने वाली है। अभी वो आज होगी, कल होगी, परसों होगी, दो तीन दिन के अंदर जो है कि भाई इस झुंड के अंदर जो है कि दो गाय ऐड होने वाली है, वो भी मेरे वाली, वो भी सुरेश भाई वाली, मेरे वाली नहीं। गॉगल जो है कि उन अंकल का था। गॉगल कितने का था, 1000 रुपए का। मैं तो मुझे लगा 200-400 में मिल जाता होगा, वो बोले 1000 रुपए का गॉगल है भाई। हाँ तो हम कहाँ थे, वो गाय। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट थी कि एक काम करो, जर्सी के अलावा गिर लाओ। तो अभी तेरा क्या कहना है, अभी ट्राई करेंगे, दो गाय लाएंगे। हाँ वो भी जर्सी, जर्सी अच्छी वाली, अच्छे वाली। हाँ वो भी एचएफ, एचएफ जर्सी नहीं लाएंगे, एचएफ लाएंगे। अभी इसमें कमेंट आ गए, मैंने हाँ बोला था, अभी मैं मना नहीं कर रहा हूँ दो गाय लेके आ, लेकिन सुन मेरी बात, तू मेरे को अभी खास करके मेरे को दो गाय ढूंढ के देनी है, एक साहिवाल की बछड़ी और एक कांकरेज, ब्लैक कांकरेज, ब्लैक कांकरेज। ठीक है, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अभी दोस्तों ये मैंने इसके ऊपर छोड़ा है भाई, अभी मेरे को मत बोलना, ये जब भी बोलेंगे भाई यहाँ पे है, मैं तुरंत जाऊंगा और लेके आऊंगा पैसे दे के। ठीक है, ओके। अभी दो का बोला है मैंने, इसके बाद तू जर्सी नहीं लाएंगा, इससे बाद, हाँ इसके बाद तू जर्सी नहीं लाएंगा। ओके, अभी ये दो लेके आता मैं, फिर बाद में नहीं लाना, ये तो तेरी इच्छा थी इसकी वजह से मैंने हाँ बोल दिया। अभी तू जर्सी नहीं, दो लेके आऊंगा। हाँ दो लेके आना, दो लेके, बाद में नहीं लाऊंगा, बाद में नहीं, बाद में नहीं, बाद में तू चाहे तो भाई गिर ला सकता है, दूसरी तेरे को जो पसंद है बोल, मैं देसी गाय में मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये तो दो तू बहुत दिनों से बोल रहा है दोस्तों, ये बहुत दिनों से बोल रहा है, लगभग ऐसे समझो कि एक साल हो गया, एक डेढ़ साल। हाँ तब से बोल रहा है कि भाई मुझे एचएफ लानी, एचएफ लानी भाई, इसकी ख्वाहिश थी। ठीक है तो दोस्तों अभी जो है कि भाई कब लाने वाला है, आज या कल, आज देखने के लिए जाएंगे, जो व्यवहार हो गया तो तुरंत लेके आएंगे, आज के आज, आज के आज लेके आएंगे, तुरंत लेके आएंगे, तुरंत। ओके, पेट भर दूध भी पी के अभी यहाँ आके देखो दोस्तों ये रस्सी काट रहा है। अगर तूने रस्सी काटी जो बहुत बुरा बुरा पीटिंग में, देखो और देखो काट रहा है रस्सी, रस्सी काट रहा है जो। अभी कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन और थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर ये रस्सी काटने की आदत हो गई ना, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके रस्सियां काट देगा, बच्चे रात को आके दूध पी के जाएंगे। ऐसा पहले एक हमारे पास कुत्ता था जो कि भाई वो बच्चों की रस्सियां काट देता था और बच्चे जो है ना भाई सुबह दूध पी जाते थे। तो फिर उसने लगभग ऐसा 8-10 दिन कंटिन्यू भाई बहुत सारे बच्चे की रस्सी काट के बहुत सारे बच्चे दूध डेली 10 दिन पी गए। मैं जब गुजरात था भाई तब सुरेश भाई लेके आया, तो हमारा पुराना वाला डॉग था भाई, वो भगवान को प्यारा हो गया, फिर सुरेश भाई जो है कि एक इससे बड़ा लेके आ गया था। तो मैं आपको बता दूं वो कुत्ता जो है कि फिर जाके सुरेश भाई छोड़ के आ गया। और वो कुत्ता कहाँ पे है पता है आपको, वो कुत्ता है पोपट मामा के वहां पे। उसे बहुत डरता है, आवाज कहां तक जाता है, इधर तक जाता है। ओ रस्सी काटता था वो कुत्ता, कहाँ से लाया तू,
ओप्पो बनवा के यहाँ से लाया था। फिर वो रस्सी भी काटता था, छोटे छोटे बच्चे को रस्सी रहता ना वो काट जाता था, बच्चे दूध पी जाते थे। हाँ, तो फिर एक दिन हम वहाँ पे छोड़ के आए। हाँ, तब मैं कहाँ था? तब तू गुजरात में था। हाँ, तब लेके आए। कितने दिन रखा था? हमने उसको महीने एक रखा था, एक महीना। एक महीना? एक महीना, एक महीना रखा था, लेकिन वो बच्चे की रस्सी काटता था। अभी जो है कि वो तो अभी पोपट मामा की वहाँ रस्सी नहीं काटता है। पहला काटता था उधर, पहले पहला पहले पोपट मामा की वहाँ पे रस्सी काटता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उनने नहीं बोला। फिर हम इधर लेके आए, इधर लेके आए तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे की रस्सी काट देता था, बच्चे दूध पी जाते थे। फिर वापिस जाके छोड़ के आए, वापिस जाके छोड़ के आए। तो अभी नहीं काटता है ना, अभी बड़ा हो गया। अभी बड़ा हो गया है, उनके यहाँ बहुत रस्सी काटते हैं। अभी नहीं काटते, पहले काटता था। एक पाड़ा की तो तुम काट लेती हो, भैंसा की। भैंस की तुम काट ली थी? भैंसा की। भैंसा की, छोटा भैंसा रहता ना। हाँ, छोटी भैंस की जो बच्ची रहती ना भाई, उसमें जो भैंसा था उसकी पूंछ काट दी थी। दोस्तों अभी गड़बड़ी ये हो गई, ये देखिए यहाँ पे जो है कि भाई इतना जो है कि भाई कम पड़ा है, इसका कुछ जुगाड़ करके भाई हमें ये ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है? आपा तुमने नाप लिया था और देखो ये कम पड़ गया। तो कैसे कम पड़ गया देखो। गोटिया जो है कि भाई उसको कल से बांध के रखा है यहाँ पे, आज छोड़ देंगे। और सुरेश भाई को मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी इसको जो है कि कुछ दिन जो है कि पोपड़ा मामा के वहाँ जाके छोड़ दे, क्योंकि अभी मथुर जो है ब्रीडिंग करता है, तो दो दो बुल की अभी जरूरत है नहीं। और ऐसे भी ब्रीडिंग जो है कि हमें ऐसे भी गाय की जो है कि मथुर से ही करवानी है। कल जो है कि पैरो हीट पे थी, उसकी ब्रीडिंग हो गई है, लेकिन परफेक्ट पता नहीं है भाई ब्रीडिंग इससे हुई है या इससे हुई है। बच्चे कुछ भी करते, ये कैसे तोड़ दिया? ये बांध दो अभी। बांध दे तू, मेरे को काम है। अरे बांध दे, नहीं तो फिर से नेट फाड़ के यहाँ से घुसेंगे उधर निकलेंगे। काम करे बांध दे, मैं कुछ नोगन्ना डालता ना। आपने जो है कि भाई इस वाली बछड़े को देखा होगा, क्योंकि इस वाले बछड़े को भाई इतना जबरदस्त वाला गहरा जख्म हो गया था कि दोस्तों मेरी आंखों से मैं देख नहीं पा रहा था, इतना भयंकर वाला जख्म हो गया था। अभी ये देखिए, अभी जो है कि उसका जख्म जो है कि फुल पूरा जो है कि रिकवर हो गया है। और तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई नहीं, ये बच्ची जो है कि ये नहीं बच पाएंगी, लेकिन भाई भगवान की दया से भाई बच्ची जो है वो अभी ओके, एकदम फुल ओके है। हेलो दोस्तों, कैसे हो गए हम सब? आई होप आप सब मौज में हो, मैं एकदम मौज में हूँ। तो आज जो है कि फटाफट से भाई यहाँ पे जितना भी काम है फटाफट से निपटाते हैं। सुरेश भाई जो है कि अभी मार्केट जाने वाला है, जैसे ही सुरेश भाई मार्केट से आता है फिर चलते हैं गाय देखने के लिए। गाय देख के आएंगे, गाय अगर पसंद आती है आज जो है कि दो गाय उठा के आएंगे, क्योंकि आज जो है कि भाई तीन चार जगह पर जो है कि हमें गाय बोला है, तो आज तीन चार जगह में से एक जगह पर तो गाय कन्फर्म हो जाएंगी हमें पता है। और जितने भी जगह पर बोला है वो सब जो है कि हमारे दोस्त थे। और इससे पहले जो है कि आपने एक व्लॉग देखा होगा, यहाँ पे हम जो है कि गाय देखने के लिए गए थे, वहाँ पे जो है कि वो व्यापारी है, वो क्या करते हैं कि 10,000 रुपया बढ़ा के बोलते हैं। और ये गाय जो है कि घरगुती है, तो हमें पता है ये ऑलरेडी पहले से 10,000 कम बोलेंगे और उसमें भी कम करेंगे। तो आज जो है कि किसी भी हालत में गाय जो है वो डन होने वाली है, ये मुझे पता है। तो आज अगर गाय डन हो गई तो गाय जो है उसे आज लेके आएंगे, अगर आज डन नहीं हुई तो गाय को कल लेके आएंगे। लेकिन गाय जो है कि फाइनली झुंड के अंदर दो दिन में ऐड होगी। सुरेश भाई मुझे 1.5 साल से बोल रहे हैं कि भाई मुझे दो एचएफ लानी है, तो मैं उसको बहुत दिनों से मनाई कर रहा हूँ। इससे पहले भी बोल रहा था, जाके मैं मोर लेके आया, फिर जो है कि बाद में उसने बोला, तो फिर हम गए थे मामा के वहाँ जाके फिर गाय एक देख के आए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो है कि आपा ने मना कर दिया, इस बार जो है कि एचएफ ला रहा है, चारा तो कम ही है। लेकिन सुरेश भाई बोल रहे हैं कि मैं जो है कि उनको गन्ना खिलाऊंगा अलग से, क्योंकि हमारी जो गाय है तो फ्लावर की पत्ती, सोयाबीन का भूस और थोड़ा बहुत गन्ना होता है, लेकिन जर्सी गाय है उसको ज़्यादा गन्ना चाहिए। तो वो बोले भाई अभी 1-1.5 महीना बाद जो है कि ऐसे भी गेहूँ की कटाई वगैरह होगी, फिर जो है कि अपने प्याज की जो फसल है वो स्टार्ट होगी, तो बोले तब तक जो है कि मैं गन्ना खिला के एडजस्ट कर लूँगा, मुझे एडजस्ट करना है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो मैंने बोला भाई ठीक है, तुझे जो करना है कर, दो गाय जो है कि लेके आए। कल जो है कि मार्केट से फ्लावर की पत्ती और कुछ भाजीपाला वगैरह भर के लाए थे, तो देखो इसमें जो ये प्लास्टिक जो है कि सब अंदर ही पड़ा है, तो अभी ये जो है कि सब चुन के बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक ऑलरेडी कल निकालना था लेकिन निकाला नहीं। कल तो इतना चारा था तो नहीं खाया था, लेकिन सुबह सुबह अगर इसमें चारा गन्ना वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन अगर सुबह सुबह चारा नहीं होता तो टाइम पास करते करते ये प्लास्टिक जो है वो खा भी सकते हैं। तो अभी ये पहले प्लास्टिक जो है उसे उठा के बाहर पटक देंगे। यहाँ पे जो है कि सुरेश भाई डाल रहा है गन्ना। चलो अभी जितने भी दूध वाली गाय है उनको छोड़ देते हैं। हमारी जो सुपड़ी है भाई ये भी एचएफ है, लेकिन इसको जो है कि भाई दो सींग है, और जो हम लेके आने वाले हैं उनके जो फोटो है वो हमारे पास आ गए हैं। उन गायों को सिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई शोर ज़्यादा करती है। देखो ये भी शोर करती है, और सामने जो जर्सी वो भी करती है, वो ब्लैक अपनी जर्सी है वो, और ये एचएफ ये फुल है, वो वाली जो है कि भाई क्रॉस है। क्या हो गया,
क्या हो गया, बैटरी उतर गई? तो अभी सूर्य चालू कैसे करने का? धक्का मार के। अबे धक्का मारने के लिए वो यहाँ से हिलेगा मैं नहीं, ये देखो किसमें खड़ा है, हिलेगा नहीं यहाँ पे। तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। अरे शाम को उधर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर कौन था? अरे हरी भाई तेरे को समझ में नहीं आता, ट्रैक्टर वहाँ पे लगा दिया होता तो वहाँ पे दोस्तों ढाल था, थोड़ा धक्का दे दिया होता ट्रैक्टर चालू हो गया होता, लेकिन नहीं हमें ध्यान देना ही नहीं है। अभी निकालो कैसे निकलेगा महेश भाई, इधर आ जाए दो मिनट। चलो ए एक काम करो, ताली छोड़ दो सुरेश भाई, ताली छोड़ दो, खाली ये ट्रैक्टर ही लो आगे। महेश भाई इधर नहीं होगा, रहने दे रहने दे, नहीं होगा। हो गया इतने धक्का लगते, लेकिन डेली यहाँ पे लगा थी। अब बस हो गया ना, कितना डाल रहा? बस उतनी डाल दे बस, चल एक काम करो, ये देखो यहाँ से है ना, इसको यहाँ से नहीं यहाँ से फिर बांधना पड़ेगा उसको। क्या करता? यहाँ से मत काट, यहाँ बोगदा है। अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से काट दे, हाँ वहाँ से काट दे। वहाँ पे अगर माप अच्छी तरह से लिया होता ना तो ये हमें काटना नहीं पड़ा होता। ये जो है कि हमने यहाँ पे ऐसे भी एक्स्ट्रा लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना काट के वहाँ लगा देंगे ताकि वो जो काम है हो जाए परफेक्ट। भाई जो है कि भाई आज फुल खुश है क्योंकि भाई उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि भाई आज पूरी होने वाली है, वो आज पूरी होने वाली है। फिर क्या है, देखो हर किसी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो फिलहाल जो है कि भाई अभी अपना गोटिया जो है उसे छोड़ेंगे, किसान भाई जो है उनकी गाय लेके आए हैं, वो सामने रहे, तो गाय की जो है कि ब्रीडिंग करवानी है। उनके पास जर्सी है AHF गाय, तो मैंने नहीं देखी है, बोले बुल लेके आओ, मैंने बोला ठीक है। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों गाय जो है वो ब्रीडिंग के लिए लेके आए थे, और अभी जो है कि गाय इसको यहीं पे छोड़ के गए हैं, इसकी ब्रीडिंग जो है कि नहीं हुई है, आप देख सकते हो। और आप जो है कि हमें कमेंट कर देना बछड़ी जो है कि आपको कैसी लग रही है भाई, क्योंकि हमारे ब्लॉग जो भी देखते सब पशुपालक ही है, तो आप जो है कि बछड़ी की क्वालिटी देख के हमें जो है कि भाई कमेंट कर देना, बछड़ी जो है कि खरीद ले। अगर भाई कमेंट आ गई, अभी बछड़ी जो है कि यहाँ पे छोड़ के गए हैं, वो बोले शाम को नहीं तो कल सुबह आके लेके जाएंगे, वो बोले ब्रीडिंग करवा के दो। लेकिन अगर आप सब ने कमेंट कर दी कि हाँ भाई खरीद लो, तो ये वाली जो बछड़ी है भाई फाइनली जो है कि खरीद लेंगे हम। आप जो है कि सिर्फ कमेंट कर दो फटाफट से, सबके कमेंट हाँ में है तो ये वाली बछड़ी जो है कि खरीद लेंगे। तो दोस्तों अपने को जो है कि भाई इस टाइप का डॉग लाने का, आप डॉग देख सकते हो, अजीब जानवर है, लो लाव लगे चावत नहीं खाओ खाली छोड़ पढ़ना नहीं रे ओळखते प्रॉपर एवढे साईड राहते। फिलहाल जो है कि दोस्तों हम जो है कि यहाँ पे आए थे अभी रील बनाने के लिए, भाई एक दो दोस्त थे तो बोले हमें रील बनानी है, मैंने बोला ठीक है, उनकी रील बनानी मेरी नहीं। चले मलिक भाई, ये भाई का जो है कि रील बनानी है, भाई के जो है कि इंस्टाग्राम पे 350 के फॉलोअर है, हमारे गांव में बोले तो हमारे जिले में जो है कि भाई टॉपर है। कि सुरेश भाई आ गया है, अभी चलते हैं गाय देखने के लिए। मुझे कंफर्म पता नहीं है अभी वो जर्सी है या AHF है, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई 8-10 दिन में जो है कि बच्चा देने वाली है। अपना घोड़ा भी रेडी है, लेकिन घोड़ा लेके नहीं जाएंगे, ज़्यादा दूर जाना नहीं है तो अपनी लाल परी लेके जाएंगे। घुमाओ सुरेश भाई, कितना दूर है सुरेश भाई? ये इतना नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है भाई, ये हमारे घर से लगभग समझो 1 किलोमीटर है। जिसके पास गाय है वो भाई भी हमारा दोस्त ही है।
दुसऱ्यांदा येईल तिसऱ्यांदा येईल आणि कोणती